अगर आपको लंबे समय से बार बार जुकाम होने की, छींकें आने की, धूल मिट्टी से एलर्जी, मौसम में बदलाव से एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो डॉक्टर आपको नेजल पॉलिप के लिए नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ देते हैं, जिसमें नाक में जो बड़ा हुआ मांस है, जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, जो पेन है, जो रेडनेस है, जो इरिटेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ जो हैं, सर्जरी है, वो इस बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इन दवाओं और सर्जरी की मदद से एक बार तो आपकी बीमारी खत्म हो सकती है, लेकिन उसका कारण खत्म नहीं होता। होम्योपैथी में मरीज के लक्षणों के आधार पर उसकी सही दवा का चुनाव किया जाता है, जो न कि आपके नेजल पॉलिप को ठीक करती है, बल्कि आपकी एलर्जी को भी, चाहे वो किसी भी तरह की एलर्जी हो, उसको परमानेंट ठीक करती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, ओनर फाउंडर गढ़वाल होम्योपैथी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। दोस्तों, नेजल पॉलिप एक मस्से के आकार की सेल ग्रोथ है, जो हमारे नाक के रास्ते के अंदर हो जाती है। क्योंकि यह ग्रोथ नॉन कैंसरस होती है, इसलिए इससे हमारी हेल्थ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर इसका साइज बढ़ता है तो हमें सांस लेने संबंधित कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। अगर आपको लंबे समय से बार बार जुकाम होने की, छींकें आने की, धूल मिट्टी से एलर्जी, मौसम में बदलाव से एलर्जी या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो आपको नेजल पॉलिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब हमें बार बार जुकाम होता है तो हमारी नाक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वह इरिटेट हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। और दोस्तों, हमारे शरीर की संरचना इस प्रकार की है कि अगर किसी वजह से बार बार कहीं भी इरिटेशन या सूजन हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर रहती है तो वहाँ की जो सेल्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है और एक मस्से के आकार की हार्ड ग्रोथ बना लेती है। यह हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसकी वजह से हमें कोई भी सीरियस हेल्थ इश्यूज कभी नहीं होता, किंतु नेजल पॉलिप का साइज अगर बढ़ जाए तो हमें कई तरह की परेशानियां जरूर हमारे अंदर आ सकती हैं, जैसे नाक बहना, सांस लेने में परेशानी होना, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज यानी गले में जो रेशा है, जो डिस्चार्ज है, उसका गिरना, किसी भी चीज़ की स्मेल या टेस्ट का हमें पता नहीं लगता, साइनोसाइटिस हमें हो सकता है इसकी वजह से, चेहरे में दर्द, माथे में दर्द, हेड पेन, साइनस पेन, माथे का भारी रहना, खराटे आने की समस्या हमें हो सकती है, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग आती है नेजल पॉलिप की वजह से, और जैसे ही हम लेटते हैं हमें सांस नहीं आता, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण नेजल पॉलिप की वजह से हमारे अंदर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेजल पॉलिप के ट्रीटमेंट की। दोस्तों, मॉडर्न मेडिसिन यानी अंग्रेजी दवाओं की अगर हम बात करें तो डॉक्टर आपको नेजल पॉलिप के लिए नेजल कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ देते हैं, जिसमें नाक में जो बड़ा हुआ मांस है, जो सूजन है, जो स्वेलिंग है, जो पेन है, जो रेडनेस है, जो इरिटेशन है म्यूकस मेम्ब्रेन की, वो कम हो जाती है। अगर आपकी कॉम्प्लिकेशन और भी ज़्यादा है तो कोर्टिकोस्टेरॉइड को टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं या इंजेक्शन की फॉर्म में दे देते हैं, या फिर भी कंट्रोल से बाहर होती है या आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं तो आपकी सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कोर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ जो हैं, सर्जरी है, वो इस बीमारी का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत से केसेस जो मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि सर्जरी के 6 महीने या 1 साल के बाद नेजल पॉलिप दोबारा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, इन दवाओं और सर्जरी की मदद से एक बार तो आपकी बीमारी खत्म हो सकती है, लेकिन उसका कारण खत्म नहीं होता, जिस वजह से यह बीमारी बार बार हमें होती रहती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि जब तक आपकी एलर्जी ठीक नहीं होगी, अगर आपको बार बार जुकाम होगा, बार बार छींके आने की समस्या रहेगी, तब तक आपका जो नेजल पॉलिप है वो बार बार बनता रहेगा। और अगर एंटी एलर्जिक दवाइयाँ, नेजल पॉलिप स्प्रे अगर आप लंबे समय तक यूज़ कर भी लेंगे तो आपको इसकी साइड इफ़ेक्ट्स होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से बीमारी को आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और यह इसी चीज़ के लिए जानी जाती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत बार इस बारे में बात कर चुका हूँ कि होम्योपैथी में बीमारी का नहीं, बीमार का इलाज होता है। होम्योपैथी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, होम्योपैथी बीमारी के कोज को हटाती है। होम्योपैथी में मरीज के लक्षणों के आधार पर उसकी सही दवा का चुनाव किया जाता है, जो न कि आपके नेजल पॉलिप को ठीक करती है, बल्कि आपकी एलर्जी को भी, चाहे वो किसी भी तरह की एलर्जी हो, उसको परमानेंट ठीक करती है। इसके लिए न तो आपको किसी सर्जरी की, चीर फाड़ की या टांके की जरूरत पड़ती है और न ही इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट होता है। और इलाज शुरू करने के कुछ ही दिनों में
इस दवाई के आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों होम्योपैथी में नेसल पोलिप की बहुत सी बेहतरीन दवाइयाँ हैं, लेकिन आज हम सिर्फ टॉप 5 होम्योपैथी मेडिसिन की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं अपनी प्रैक्टिस के अंदर। दोस्तों पहली दवा है फोस्फोरस। यह दवा होम्योपैथी में तब प्रिस्क्राइब की जाती है जब आपके नेजल पोलिप में ब्लीडिंग होती हो, उसको आप थोड़ा सा भी टच करते हैं तो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाए। फोस्फोरस के पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, वो ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है। अगर यह लक्षण है तो आप फोस्फोरस दवा को 30 पावर में सुबह शाम 15 दिनों तक एक एक बूंद एक एक चम्मच पानी में खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। दूसरी दवा है दोस्तों लेमिना माइनर। दोस्तों अगर आपको नेजल पोलिप की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है, आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड फीलिंग हो रही है, आपको किसी भी चीज़ की स्मेल का पता नहीं चलता और यह समस्या आपकी वेट वेदर और उमस या बारिश के मौसम में बढ़ जाती हो और नाक से हमेशा सफ़ेद गाढ़े रंग का डिस्चार्ज निकलता रहता हो, तो आप इस दवा का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। मुझे अभी तक इस दवा के नेजल पोलिप के केसेस में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अगली दवा है दोस्तों कैल्केरिया कार्ब। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आपको रात के समय ज़्यादा पसीना आता है, बार बार छींके आना, नाक से अगर वाइट डिस्चार्ज आपके निकलता रहता है और साथ ही साथ सीजन चेंज से जैसे सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी जैसे ही मौसम बदलता है तो आपको एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, तो कैल्केरिया कार्ब दवा को नेजल पोलिप के लिए आप 200 पावर में वीक में 1 बार 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। अगर यह लक्षण मरीज के अंदर आपको दिखाई देते हैं तो मात्र 1 महीने में इस दवा के बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों कई बार नेजल पोलिप में ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं हमारे नाक से पानी आना शुरू हो जाता है, छींके आने की समस्या होने लगती है और बाकी पूरा दिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हमारा नोज एकदम ड्राई रहता है, बस सुबह उठते ही हमें दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और हमारी किसी भी चीज़ को सूंघने की जो क्षमता है अगर वो बढ़ जाए। वैसे जनरली नेजल पोलिप के केसेस में ऐसा होता नहीं है, बहुत कम देखने को मिलता है, बट ये इस दवा का यूनिक सिम्टम है। तो आप कोनियम दवा को 30 पावर में हर रोज सुबह खाली पेट 7 दिनों तक ले सकते हैं। अगर आपका सिम्टम एकदम एग्जैक्ट है तो यह दवा आपको बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट देगी। अगली दवा है दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे वो है सैंगुइनेरिया कैन। यह दवा दोस्तों राइट नेजल पोलिप में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको राइट साइड का नेजल पोलिप है, नाक में प्रोफ्यूज नेजल डिस्चार्ज है, बहुत ज़्यादा नाक आपका बहता हो, बार बार आपको छींके आती हो, नाक के अंदर राइट साइड के अंदर बहुत ज़्यादा सूजन हो, राइट साइड का नोज़ है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका हो, तो सैंगुइनेरिया को आप 30 पावर में 15 दिनों तक सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपके अंदर इन दवाओं में से किसी भी दवा के लक्षण हैं तो आप इन दवाओं को अपने डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं और अगर आप इन दवाओं को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप इन दवाओं को बाय कर सकते हैं। अगर आप मुझसे अपनी किसी भी बीमारी के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं तो आपको एक स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके या मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुँचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।